राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी प्रेम करुणा एवं वात्सल्य से भरा एक ऐसा नाम जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नभ पर सूर्य के समान प्रकाशमान होकर दशकों तक सारे संसार को आलोकित करता रहा है। 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न अपनी सबसे दिव्य और अलौकिक पुत्री राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी को अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करते हुए उन्हें इस आध्यात्मिक संगठन की बागडोर सौंपकर अव्यक्त रूप धारण किया। 1936 में जब दादी प्रकाशमणि जी 14 वर्ष की आयु में रामा के रूप में ओम मंडली में आई थीं, तब किसे मालूम था यह तरुण आयु की बालिका आने वाले समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व संभालेंगी और मानवीय मूल्यों की उच्चतम ऊंचाइयां छू लेंगी। लेकिन उनके पिताजी गोपाल दास, जो कि विद्वान ज्योतिष थे, उन्होंने उनके संकेतों को जान पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी यह पुत्री ईश्वर का वरदान है, इसका जीवन मीरा की तरह ईश्वर को समर्पित होगा। उनकी यह भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। ओम मंडली में आने के पश्चात ब्रह्मा बाबा की निरंतर पालना ने उन्हें ज्ञान, तपस्या और सेवा की पवित्र त्रिवेणी बना दिया था। वो जहां से गुजरती सभी सुख शांति संपन्नता से सराबोर हो जाते। उनकी कल्याणकारी दृष्टि, उनके ललाट पर दमकता तपस्या का तेज, उनके वरदानी हस्तों का पावन स्पर्श अलौकिक अनुभूति कराता। उनके आध्यात्मिक जीवन की जादूगरी एवं बेहद की भावनाओं ने हजारों लाखों के जीवन में नव विश्व निर्माण के लिए सेवामय जीवन जीने की आस्था जगाई और देखते ही देखते एक विशाल काफिला विश्व परिवर्तन की राह पर उनके साथ चल पड़ा। उनकी दिनचर्या बेहद संतुलित थी। इतने विशाल संगठन का संचालन करते और ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहते हुए भी वे नियमित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का मनन, चिंतन और राजयोग का अभ्यास करती थीं। शिव बाबा की याद में लवलीन रहना उन्हें बेहद भाता। रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, रोम रोम में राम रमे थे रामा नाम तुम्हारा, सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना यही था काम तुम्हारा, मन से मन की तार मिली थी बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा। दादी जी सभी मिलने वालों का सम्मान करती, धैर्य चित्त होकर उन्हें सुनती और अपने अनुभवों से शीघ्र निर्णय देती। धीरे धीरे सारे विश्व से जिज्ञासु आध्यात्मिक उन्नति के लिए आबू पधारने लगे और मधुर छवि दादी जी से मिलकर उनसे रूहानी दृष्टि पाकर स्वयं को धन्य धन्य महसूस करते। जो भी उनके समीप जाता उसे ऐसा महसूस होता मानो उसने ममता के सागर में गोता लगा लिया हो। हर कोई प्रेम से कह उठता, मेरी दादी माँ। छोटे बच्चों को तो उनसे बेहद लगाव था और दादी जी भी उन्हें दिल से प्यार करती थी। दादी जी बड़े प्यार से बच्चों को शिक्षा देते हुए कहती,
निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। बच्चों एक बात सुनो, बाबा ने हमें सिखाया है गुस्सा करो, गुस्सा करो ना जी। लड़ो ना जी। तो आप सब गुस्सा करते हो ना आपस में कभी? हाँ जी। घर में भी बहनों भाइयों आपस में लड़ते हो? हाँ जी। तो गुस्सा करने वाले बाबा के राजा बच्चे कैसे बनेंगे? करेंगे ना जी। नहीं, आज से कहो बाबा हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। बोलो पक्का पक्का बोलो बच्चिया, गुस्सा करेंगे लड़ेंगे? बोलो बाबा हम कभी नहीं लड़ेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। घर में कोई भी गुस्सा करे तो बोलो ओम शांति, ओम शांति। अब बोलो ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। घर में भी जाके सबको सिखाओ ओम शांति। उनकी प्रेरणा से ही 1978 से लेकर आज तक माउंट आबू में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों का इसी उद्देश्य से हम ये कार्यक्रम रखते कि बच्चों में ऐसी छोटेपन से ही जानकारी रहे, प्रवृत्ति रहे, संस्कार बने, जो बच्चे बड़े हो कर के चरित्रवान महान हो, तो ऐसा महान मॉरल सिखलाने लिए, नैतिकता के लिए बच्चों का कार्यक्रम रखा जाता और बच्चे ही देखा जाता है कि माता पिता के सच्चे गुरु बन जाते हैं। युवाओं से भी दादी जी को विशेष आशाएं थी। वे युवाओं को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलने के लिए आजीवन प्रेरित करती रहीं। तो विश्व का कल्याण कैसे हो, ये जिम्मेदारी हम सभी मनुष्य आत्माओं के ऊपर बाप ने रखी है, जिसमें विशेष युवाओं का पार्ट है, आधार है। अपनी सर्व जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनका जीवन मधुर मुस्कान के पंख लगाकर उड़ता रहता। उन्हें देखकर वास्तव में ये लगता था कि मानव जीवन एक उत्सव है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना भी। अभी तो आप सभी ने बहुत बहुत दिल से बाप दादा के साथ, हमें तो बहुत आप सबकी प्यार भरी दुआएं मिली, तो बाबा की भी आप सबको सच्ची सच्ची दीपावली मनाने की खुशियों की आप सबको बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dash into the snow. Everybody, one-horse open sleigh. All the fields will go, laughing all the way. Ha, 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 bells on bobtails ring, making spirits bright. But oh, what fun it is to ring a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. हमारे को बाबा मिला तो हर दिन, हर पल, हर कार्य, हर एक से बड़े प्यार से, खुशियों से मिलन मनाते हैं। क्यों? हमें बाबा की आप हम सबको सबको बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग हमारी अमर सत्न रहे, यही हमारी आप सबको भी संदेश है कि हैप्पी 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 क्रिसमस एवरी डे एवरी मोमेंट बोलो एवरी मोमेंट सभी बोलो एवरी मोमेंट हाँ बस विशेष आज के दिन तिल है। तिल निशानी है आत्मा की। सबसे छोटे में छोटा बिंदु है तो तिल है, जिसका भी कोई माप तोल करो तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आज का विशेष दिन है तिल। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। अपनी जयंती अपने बाबा ने मनाई। अपनी जयंती अपने बाबा ने मनाई। बाबा हमसे, हम बाबा से। बाबा हमसे, हम बाबा से। मिलके कहते हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, happy birthday, happy birthday। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
प्यारे बाबा ने कार में ये जो एरोप्लेन बनाया, ये डायरेक्ट बाप दादा के प्लैनर प्रोब से बना है। और बाबा का ये था कि ये ऐसा टॉप में बने जो सब अबुलवासी देखेंगे और यहाँ आके साइलेंस में तपस्या करें। और यही एक स्थान है जिसका स्वयं बाप दादा बराबर शिव जयंती पर आके झंडा ऊंचा लहराते हैं। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। जगत सलाम बड़ी ही अमानत, खैर करे खुदा ये
सलामत ला रहे सलामत दादियां नियामत है ये बड़ी ही अमानत खैर करे खुदा ये सदा रहे सलामत ऐ राखी तू रख न संभाल ऐ राखी तू रख न संभाल के दिल ये दुआ करता है बार बार के दिल से यही कहता दैवी परिवार के दिल ये दुआ करता है बार बार के दिल से यही कहता दैवी परिवार। बोलो हमारे भाई बहने हर एक चाहते हैं ना कि भारत में नया सवेरा होवे, नया सवेरे को नाम ही देते वो सुनहरी सवेरा। जब सुनहरी सूर्य उदय होता तो कितना अच्छा लगता, तो स्वर्ग में ऐसा सुनहरी सूर्य उदय करना है तो इन अंधकार में लाने वाले विकारों का करो त्याग, जिसको कहते हैं असुर संगार, तो हो जाएंगे नई स्वर्ग की दैवी देवताओं की स्थापना। तो ये जन्माष्टमी उसी स्वर्ग के उद्घाटन की स्मृति दिलाते प्रेरणा देते। आओ सब हम ऐसे स्वर्ग में चलने की तैयारी करें अथवा खुद को परिवर्तन करके हम भारत में दूध कहा जाता घी दूध की नंदियां बहावे, ऐसा हमें आह्वान करके खुद को भी ऐसा बनाने की हर एक संकल्प करो। बोलो संकल्प करेंगे ऐसी दुनिया लाएंगे, भारत को ऐसा सुंदर बनाएंगे, तब कहेंगे श्री कृष्ण कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना सबका लाडला है, तो खुद को भी ऐसा सुंदर बनाने की शुभ भावना रख ये त्यौहार मनाएंगे। ओम शांति ओम शांति। देवियां आ गई शिव शक्तियां आ गई।
शिव शक्तियां आ गई। समय के साथ सेवा के विस्तार को देखते हुए उन्होंने अनेक नैसर्गिक परिसरों का निर्माण भी कराया। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए दादी जी ने ग्लोबल हॉस्पिटल जैसे आदर्श अस्पतालों की श्रृंखला का निर्माण कराया, जहां लाखों रोगी प्रतिवर्ष तन के स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं। समाज के हर वर्ग में नैतिक एवं आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए दादी जी के नेतृत्व में राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के अंतर्गत 18 प्रभागों की स्थापना हुई। इन प्रभागों के अंतर्गत होने वाली संगोष्ठियों व सम्मेलनों में अपने वरदानी बोलों से दादी जी सर्व को प्रेरणा देती। यहाँ से आप वो शक्ति ले जाओ, शिव बाबा को सब अपनी चिंताओं दान करो और खुशी का वरदान ले जाओ। उनकी छत्र छाया में अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार जैसे कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा दादी जी ने सारे विश्व को एकता के सूत्र में पिरोने का भगीरथ प्रयास किया। We are one family. हम एक फैमिली है, कोई दो फैमिली नहीं। मुझे कई बार आता, अरे हर एक दिल से पूछे, कोई ने अपने दिल को धुतकारेगा, मारेगा? नहीं। ये हाथ है, हाथ में पांचों अंगुलियां है, काटो एक अंगुली को काटो, ये खराब है इनको धिकारो, कोई काटेगा? नहीं। पांचों अंगुलियों को मुट्ठी भर में रखता, हर एक अपने हाथ की अंगुली को प्यार करता। तो हम देखती हूँ, शिव बाबा कहता ये विश्व के अंदर पांच खंड नहीं है, लेकिन ये मेरे हाथ की पांच अंगुलियां है। इन पांचों उंगलियों को तू प्यार कर, चाहे कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन मेरी अंगुलियां है। तो 500 करोड़ पांच खंडों की आत्माएं आप हम सबके प्यारे बाबा की अंगुलियां है, हाथ है, इनको सभी मिला के प्यार करो। दादी जी के नेतृत्व में संस्थान द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मानव उत्थान के कार्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सन 1985 में अंतरराष्ट्रीय शांति पदक प्रदान किया एवं सन 1987 में शांति दूत सम्मान से दादी जी को सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्तर के अन्य 5 शांति दूत पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। 30 दिसंबर 1992 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डॉ. एम. चन्ना रेड्डी ने सरस्वती स्वरूपा दादी प्रकाशमणि जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत के सभी राज्यों द्वारा उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। उनके जीवन काल में उन्हें हजारों सम्मान प्राप्त हुए, सम्मान भी जैसे उनका सम्मान करके स्वयं को सम्मानित महसूस करता था। अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के सामने तत्कालीन मेयर की मौजूदगी में ओम शांति ट्री का वृक्षारोपण 10 जून 2000 में किया गया और मेयर ने प्रतिवर्ष 10 जून को प्रकाशमणि दिवस मनाने की उद्घोषणा की। यूनेस्को ने दादी जी को अंतरराष्ट्रीय शांति वर्ष के दौरान पीस मैनिफेस्टो 2000 के अंतर्गत भारत व 120 अन्य देशों से 3.5 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर जुटाने पर विशेष अवार्ड प्रदान किया। दादी जी के शुभ संकल्प से भारत के सभी राज्यों के प्रमुख नगरों में विशाल कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसका लक्ष्य था कि सर्व का संबंध परमपिता परमात्मा से जुटे और मानव जीवन उन्नत हो। अनेक नगरों में दादी जी ने स्वयं जाकर
लाखों लोगों को परमात्म पैगाम दिया। मुक्ति सब चाहते पर सच्ची मुक्ति है इन दुख देने वाली बुरी आदतों की, तो उसे मुक्त हो मुक्त बनाओ तो फिर इस धरनी पर सच्चा स्वर्ग आएगा। दादी जी इस बात की मिसाल हैं कि यदि नारी शक्ति जाग जाए तो अपने मातृत्व वात्सल्य करुणा सदाचार सूझबूझ और गरिमामय व्यक्तित्व की रूहानी सुगंध से विश्व को महका सकती हैं। सद्भावना और मित्रतापूर्ण व्यवहार कैसे किसी के जीवन का परिवर्तन करता है, पवित्रता की मूर्ति पारसमणि दादी जी के संग से यह दृष्टिगोचर होता था। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाई बहनों के साथ मिलकर सेवा की नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श करती थीं और एक कुशल नेतृत्वकर्ता की तरह उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देकर आगे बढ़ाती थीं। शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। छोटे बड़े सभी बहुत प्रेम से श्रवण करते और ऐसा प्रतीत होता जैसे ईश्वरीय मुरली माँ की लोरी हो। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, तुम्हें स्मृति आती, तुम कौन हो कौन हो? बहुत अच्छा जवाब है। छाया भाई कौन हो? तुम हो शिव बाबा के लवर। तुम हो शिव बाबा के लवर, आधा कलम के लवर हो ना? रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को क्यों नमस्ते? बाबा मामा नमस्ते, भाई नमस्ते है। मधुबन से सेवा के लिए दादी जी जब लंबी यात्रा पर जाती तो सभी प्रेम भरे हृदय से विदा करते और उनके आगमन पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मधुबनवासी राजयोगी भाई बहने उनका स्वागत करते। दादी जी सेवा यात्रा से लौट कर आती तो अक्सर कहती, ईस्ट और वेस्ट मधुबन इज द बेस्ट। दादी जी विश्व सेवा में जहां भी जाती हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए ललायत रहता। वे सर्व सम्माननीय थी, किसी को उनमें मां नजर आती तो किसी को उनमें देवी मां का साक्षात्कार होता था। संपूर्ण विश्व की धरा को उनके चरण कमल के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा करने वाले श्रमिकों की जरूरतों का भी उन्हें ध्यान रहता। वे न केवल उन्हें बुरी आदतों से दूर रहने की शिक्षा देती थी वरन उन्हें प्यार से सौगात भी देती थी। गुटका नहीं है, गुटका जो गुटका खाता है ना, वो सारा दिन हाय 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 का गुटका खाता, तो ऐसा गुटका गुटका नहीं खाना है, नहीं पीना है, नहीं यूज करना है, नहीं घर में बच्चों को देना है। सभी मधुबनवासी उन्हें बेहद प्रिय थे। माँ की तरह सबकी छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखती थीं। वे कहीं पर भी होती बाबा की मुरली जरूर पड़ती थीं। स्वयं साइलेंस में रहकर दूसरों को भी साइलेंस के लिए प्रेरित करती थीं। बाबा ने मुझे ये 5-4 दिन बच्ची में बिठाया, मैं बच्ची में बैठी, बच्ची भी तो करनी है, तो बच्ची में बैठी हूँ साइलेंस में। सारे संसार से महान नेता उनके कार्य को निहारने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आबू पधारते। वे सदा कहती, करण करावन हार तो ईश्वर है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व परिचय देता है कि कैसे कोई विनम्र रहकर सभी को संतुष्ट करते हुए विशाल कार्य को संपन्न कर सकता है।
18 जनवरी का दिन उनके लिए अति विशेष था। इस दिन दादी जी अपने अलौकिक पिता एवं शिक्षक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को स्नेहमयी श्रद्धांजलि अर्पित करती। रूहानी चित्रकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 32 वर्षों तक दिव्य पालना से दादी जी के जीवन को तप और सेवा के रंगों से सजाया था। दादी जी विश्व के उन महान नेताओं में से हैं जिनका जीवन ही उनका संदेश है। एक ऐसी खुली किताब जिसका हर पन्ना प्रेरणा से परिपूर्ण है, जिसका हर शब्द धमनियों में शक्तियों का संचार करने वाला है। 87 वर्ष की आयु में अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होकर अपनी संपन्न और संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर 25 अगस्त 2007 प्रातः 10:05 पर आबू रोड स्थित शांतिवन परिसर में उन्होंने 5 तत्वों से निर्मित अपनी भौतिक देह को त्याग परमार्थ के वास्ते आगामी यात्रा की ओर प्रस्थान किया। 27 अगस्त को प्रातः 10:30 पर देश विदेश से पधारे, अनेक धर्मों और संगठनों से पधारे हजारों भाई बहनों की उपस्थिति में पुष्प वर्षा के नीचे चंदन की शैया पर दादी जी का पार्थिव तन अग्नि को समर्पित किया गया। आज भी दादी जी की स्मृति में निर्मित प्रकाश स्तंभ सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर चलने को प्रेरित करता है। प्रतिवर्ष दादी जी के पावन स्मृति दिवस 25 अगस्त को ब्रह्मावत्स विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी भाई बहन प्रकाश स्तंभ पर एकत्रित होकर दादी जी के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हैं और यह संकल्प भी कि दादी जी ने सुख शांतिमय संसार के निर्माण का जो आगाज किया है उसे हम सब मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। किसी नारी द्वारा संचालित सबसे बड़े विश्वव्यापी संगठन का 38 वर्षों का अद्वितीय नेतृत्व करने वाली डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही नहीं बल्कि सारे विश्व का गौरव हैं। उन्हें हमारा शत शत नमन। ओम शांति।